तरीका है। सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा के बड़ी बाजार से आज जन अधिकार पार्टी के महासचिव दिलीप कुमार खिरहर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार की अर्थी यात्रा निकाली। रैली में शामिल जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनके पुतले की अर्थी निकाली और उसका दाह संस्कार किया। मौके पर जाप के प्रदेश महासचिव दिलीप राय ने कहा कि नीतीश कुमार ने बदले की भावना से कार्रवाई की है। सच्चाई को उजागर करने पर पप्पू यादव को जेल भेजा गया है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार की अर्थी निकालकर विधिवत अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आज हम लोग नीतीश जी का अर्थी कलश निकालकर दाह संस्कार किए हैं। जो पप्पू यादव जी कोरोना काल में इतना गरीबों का सेवा करते आए हैं, न जात न पात न धर्म कुछ नहीं देखा, अपने घर से वह बाल बच्चों को छोड़कर डेढ़ महीना से लगातार वह गरीबों का सेवा कर रहे थे। उनका अपराध सिर्फ इतना ही है कि राजीव प्रताप रूढ़ी का एम्बुलेंस का उजागर किया गया, सरकार के नाकामी का उजागर किया गया, इसीलिए सरकार ने उनको बदले के भावना से गिरफ्तार किया गया। सरकार बेशर्त उनको रिहा करे, नहीं तो अभी पूरा कार्यकर्ता आक्रोशित है। बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन, मेरा नाम है दिलीप सिंह, प्रदेश महासचिव। बताते चले कि पप्पू यादव ने हाल ही के दिनों में सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के घर जाकर एम्बुलेंस की बदहाली का खुलासा किया था। इसके बाद वे सरकार के निशाने पर आए। अपने कार्यकर्ताओं और बॉडीगार्ड के साथ सांसद के घर जाने के आरोप में उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया था। बीते दिनों पटना पुलिस द्वारा कई दशक पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मधेपुरा पुलिस ने रात को वर्चुअल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।